हम रोज़ाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ एक लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हम कहते हैं कि द पर्सन हैज़ गॉट अ प्लेजेंट पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं और उनकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है, उन्हें लाइक किया जाता है, पार्टीज में इनवाइट किया जाता है और जॉब में इन्हें प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। नेचुरली हम सभी ऐसी पर्सनालिटी पजेस करना चाहेंगे और आज मैं अपने इस आर्टिकल में ऐसे ही 10 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ जो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व पाने में हेल्प कर सकते हैं। एक, लोगों को जेन्युइनली लाइक करिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो मन में उस पर्सन की एक इमेज बना लेते हैं। ये इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकती है, पर अगर हम अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इस इमेज को इंटेंशनली पॉजिटिव बनाना होगा। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो लोगों में अच्छाई खोजे, बुराई नहीं। ये करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप माइंड को अच्छाई खोजने के लिए निर्देश देंगे तो वो खोज निकालेगा। हमें लोगों के साथ पेशेंट होना चाहिए, उनकी किसी कमी या शॉर्टकमिंग से इरिटेट होने की बजाय खुद को उनकी जगह रख कर देखना चाहिए। क्या पता अगर हम भी उन्हीं जैसे सर्कमस्टांसेस में पले बढ़े होते तो उन जैसे ही होते। इसलिए डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करिए, उनसे इरिटेट मत होइए। फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ फैली नेगेटिविटी हमें बहुत प्रभावित करती है। हम रोज चोरी, धोखा, धड़ी, फ्रॉड की खबरें सुनते हैं और शायद इसी वजह से आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख मूंद कर लोगों पर ट्रस्ट करिए, पर ये जरूर कहूंगा कि आंख मूंद कर लोगों पर डिस्ट्रस्ट मत करिए। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, कम से कम उनके साथ तो होते ही हैं जो उनके साथ अच्छा होता है। आप लोगों के साथ अच्छा बनिए, उन्हें लाइक करिए और बदले में वे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। दो, मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, isn't it? मुस्कराना जाहिर करता है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं। यही बात हर तरह की रिलेशंस में लागू होती है, इसलिए आप जब भी किसी से मिलें, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल लाए, इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। आपकी मुस्कराहट के जवाब में मुस्कराहट न मिले ऐसा कम ही होगा, और होता भी है तो लेट इट बी, आपको अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है बस। ये सुनने में काफी आसान लग रहा होगा, करना ही क्या है, बस हल्का सा स्माइल ही तो करना है। बहुत से लोग नेचुरली ऐसा करते भी हैं, पर बहुत से लोग इस छोटी सी बात पर गौर नहीं करते, और अगर आप भी नहीं करते तो इसे अपनी प्रैक्टिस में लाए। एक मुस्कुराता चेहरा एक फ्लैट या स्टर्न फेस से कहीं अधिक आकर्षक होता है और आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत मददगार होता है। मुस्कुराने से एक और फायदा भी है। As per some research, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे एक्सटर्नल expressions उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हमें देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हम खुश हैं, और ठीक इसका उल्टा भी सही है, यानी जब हम अपने बाहरी expressions खुशनुमा बना लेते हैं तो उसका असर हमारे इंटरनल मूड पर भी पड़ता है और वो अच्छा हो जाता है। So, don't forget to carry a sweet smile wherever you go. 3. नाम रहे ध्यान। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया के बाकी सभी नामों से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो बीच बीच में उसका नाम लेते रहिए। ऑफ कोर्स अगर व्यक्ति आपसे सीनियर है तो आपको नाम के साथ जरूरी सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना होगा।
बीच बीच में नाम लेने से सामने वाला अपनी इम्पोर्टेंस फील करता है और साथ ही आपकी तरफ ध्यान भी अधिक देता है। एंड डेफिनेटली वो इस बात से खुश होता है कि आप उसके नाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फ्रेंड्स, नाम याद रखने में मैं भी थोड़ा कच्चा था, यहाँ तक कि कई बार नाम जानने के 2 मिनट बाद ही वो ध्यान से उतर जाता था। ऐसा बेसिकली इसलिए होता था क्योंकि मैं नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करता था, पर अब मैं इंटेंशनली एक बार नाम सुनने के बाद उसे याद रखने की कोशिश करता हूँ। आप भी नाम की महत्ता को समझिए, नाम याद रखना आपको एक बहुत बड़ी एज दे देता है। 4, आई से पहले यू को रखिए। आप किसे अधिक पसंद करेंगे, जो अपने मतलब की बात करे या उसे जो आपके मतलब की बात करे? ऑफ कोर्स आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। हर एक इंसान पहले खुद को रखने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ, इजंट इट? पर आप इससे अलग करिए, आप से पहले यू को रखिए। आप कैसे हैं? आपको क्या अच्छा लगता है? आप क्या करते हैं? 5, बोलने से पहले सुनिए। इसे आप 0.4 का एक्सटेंशन कह सकते हैं। जब आप दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आपने आप क्या पसंद करते हैं? इसलिए नहीं पूछा कि बस वो जल्दी से अपना जवाब खत्म करे और आप अपनी राम कथा सुनाने लग जाएं। आपको सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना है, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है और बीच बीच में उससे रिलेटेड और भी बातें करनी है। फॉरेक्स, अगर कोई कहता है कि उसे घूमने का शौक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी जगह अच्छी हैं। अच्छे लिसनर्स की डिमांड कभी कम नहीं होती। आप एक अच्छा लिसनर बनिए और देखिए कि किस तरह आपकी डिमांड बढ़ जाती है। 6, क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। फॉरेक्स, आपसे कोई गलती हुई और आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी का कोई मतलब नहीं। हमें न सिर्फ सही वर्ड्स यूज करने हैं, बल्कि उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके पलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से लोगों से बात करिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को पर्सनालिटी से रिलेट करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना एक भी सी जाने भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं। साथ, बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प करिए। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि दूसरों की हेल्प कर सके, पर आउट ऑफ लेजीनेस या फिर ये सोचकर कि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हम हेल्प नहीं करते। पर एक प्लेजेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जरूरी काम छोड़कर बस लोगों की हेल्प ही करते रहे, लेकिन अगर थोड़ा वक्त देने पर आप किसी के काम आ सकते हैं, तो जरूर आएं। आपकी एक सेल्फलेस हेल्प आपको दूसरों की ही नहीं अपनी नजरों में भी उठा देगी और आप अच्छा फील करेंगे। आपने सुना भी होगा, अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड्स दैट गिव्स यू रोजेस। 8, अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। चूंकि हमारा पहला इम्प्रेशन हमारी अपीयरेंस की वजह से ही बनता है, इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
अपीयरेंस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाने लगिए और बॉडी बनाइए या फिर ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते रहिए। इट सिंपली मीन्स कि आप ओकेशन के हिसाब से ड्रेस अप होइए और पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दिए। छोटी छोटी बातें जैसे कि आपका हेयर कट, नेल्स और पॉलिश्ड शू आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालते हैं। 9. लगातार ऑब्जर्व और इम्प्रूव करते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सब में इम्प्रूवमेंट का इन्फिनिट स्कोप है, इसलिए कभी ये मत समझिए कि बस अब जितना इम्प्रूवमेंट होना था हो गया, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकाल कर अपनी एक्टिविटीज, अपने वर्ड्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। आपने क्या किया, आप उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज को लेकर खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं और हकीकत में लोग आपकी इस बात को पसंद नहीं करते। फॉर एक्स कुछ साल पहले मैंने रियलाइज किया कि लोगों में जल्दी इम्प्रूवमेंट लाने के चक्कर में मैं इतने अधिक मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर देता कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता। सो आई इम्प्रूव्ड ऑन दिस पॉइंट और अब मैं पेशेंटली ये काम करता हूँ। आप भी इस रास्ते पर बढ़ते हुए खुद को ऑब्जर्व करते चलिए और लगातार इम्प्रूव करते जाइए।